हे गाइस और ऑल इंडिया फुटबॉल के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ISL की जो नया नॉकआउट स्टेज है 6 टीम्स को लेकर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका फॉर्मेट क्या है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अभी के फॉर्मेट के बारे में। तो अभी जो फॉर्मेट है टॉप 4 टीम्स को लेकर वो ये कि पहला स्थान पे जो टीम है और 14th स्थान पे जो टीम है उनमें से एक सेमीफाइनल होगा दो लेग की, दैट मीन्स एक होम गेम और एक अवे गेम। अभी कोविड के चलते हुए वो नहीं था, दो लेग दोनों गोवा में हुआ था। जो नॉर्मली होता है वो है दो लेग, जो एक होम गेम होगा एक टीम के लिए तो एक अवे गेम होगा एक टीम के लिए। तो उससे और पहला और चौथे स्थान पर पहला सेमीफाइनल और दूसरे और तीसरे स्थान के बीच में दूसरा सेमीफाइनल, उसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जा रही थी और उन दोनों के बीच फाइनल हो रही थी ISL के ट्रॉफी के लिए। ये ISL की चैंपियंस नहीं खेलाएंगे क्योंकि ISL की चैंपियंस जो असल में है वो है लीग विनर्स, जो लीग टेबल के टॉप में होते हैं ना वही रहते हैं, जो ISL शील्ड को जीते हैं वही एशियन चैंपियंस लीग में जाते हैं। तो जो ISL जीतता है और ISL का जो नॉकआउट स्टेज है वो जीतता है वो AFC कप के इसमें जाता है। तो दैट्स द डिफरेंस दोनों टीम्स के, दोनों टाइटल्स और दोनों ट्रॉफीज के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है। तो अब नए फॉर्मेट में 4 टीम्स की जगह 6 टीम्स होंगे, 11 ही टीम्स है टोटल लीग में पर 6 टीम्स होंगे नॉकआउट स्टेज में, जो 4 थे उनमें से 2 और टीम्स जोड़े गए हैं और इसीलिए फॉर्मेट भी थोड़ा बदलेगा। तो उस फॉर्मेट में जो बदलाव आया है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ISL के नए फॉर्मेट के बारे में। तो नए फॉर्मेट में जो पहले और दूसरे स्थान पे जो टीम्स फिनिश होंगी उनको ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाएंगी। तो एलिमिनेटर के एक नया राउंड ऐड हो रहा है। तो इस एलिमिनेटर में जो टीम्स खेलेंगी वो है 3rd और 6th स्थान के जो बीच में जो टीम्स फिनिश करते हैं वो खेलेंगे एलिमिनेटर। तो एलिमिनेटर क्या है और अब जो बड़ा चेंज है वो है टॉप चार के जगह अब टॉप 6 खेलेंगे ISL की नॉकआउट स्टेज में। और ये टॉप 6 में से जो 4 टीम्स जो 3rd और 6th स्थान में जो 4 टीम्स फिनिश करती है उनके बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर। एलिमिनेटर 1 में 3rd और 5th स्थान पे जो टीम्स फिनिश करते हैं वो खेलेंगे और एलिमिनेटर 2 में 4th और 6th स्थान पे जो टीम्स खेलेंगे वो खेलेंगे। तो ये जो एलिमिनेटर है ये सिर्फ एक ही लेग को होगा, हमने ऑलरेडी बात किया था कि सेमीफाइनल 2 लेग के है होम और अवे फॉर्मेट पे। तो एलिमिनेटर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही लेग है यानी सिर्फ 2 ही एडिशनल गेम्स ऐड हो रहा है ISL में। तो एलिमिनेटर 1 में जो टीम जीतेगा वो फर्स्ट पोजीशन में जो टीम ISL लीग में फिनिश हुआ था वो फर्स्ट सेमीफाइनल में उसके साथ खेलेगा। और जो चौथे और छठे स्थान पे के बीच जो एलिमिनेट हो रहा है उनमें से जो जीतेगा वो ISL के दूसरे स्थान पे जो लीग में दूसरे स्थान पे फिनिश हुआ था उस टीम के साथ सेमीफाइनल 2 खेलेगा। और सेमीफाइनल से यूजुअली जो होता है वो ही होगा, जो सेमीफाइनल जीतेगा वो फाइनल में जाएगा तो और फाइनल में से जो टीम जीतेगी उसको ISL ट्रॉफी मिलेगी। तो यही है नया फॉर्मेट में सिर्फ छोटा चेंजेस है वो है कि टॉप 4 के जगह टॉप 6 बना दिया गया है और 3rd और 6th स्थान के बीच में जो टीम्स होंगे उनको एलिमिनेटर में खेला जाएगा। एलिमिनेटर्स में जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहले और दूसरे स्थान के बीच जो ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल तक क्वालिफाई हुए थे उनके साथ खेलेंगे और वो फाइनल में जाएंगे। तो यही था ISL का नए फॉर्मेट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन था। अब अगर आप पूछ रहे हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो हम इसको एडवांटेज भी नहीं कह सकते और इसको डिसएडवांटेज भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे तो फ्यूचर में जो रोड मैप है ISL का और जो AFF ने रोड मैप अगर वो फॉलो करते हैं उस रोड मैप को तो अगले सीजन से टीम्स आना शुरू हो जाएंगे ISL को, आई लीग चैंपियंस जो होंगे वो ISL में प्रमोट होना शुरू हो जाएंगे। तो ISL का टीम्स जो बढ़ेगा, अगर 14 और 15 टीम्स होंगे ISL में किसी भी सीजन में तो इन इतने टीम्स के बीच में जो टॉप 6 फिनिश करेंगे उनको एलिमिनेटर्स या सेमीफाइनल्स खेलना अच्छा होगा। तो वरना सिर्फ 11 ही टीम्स के बीच टॉप 6 को सेलेक्ट करना उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मोटिवेशन कम हो जाता है। अब जो 11 टीम्स है उनको टॉप 4 में फिनिश करने के लिए सिर्फ टॉप 6 में ही फिनिश करना होगा तो सारा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है और दे विल बी लाइक हाँ ठीक है टॉप 6 में ही तो फिनिश करना ही है, टॉप 4 में तो नहीं करनी, तो उनका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो
अगर 14-15 टीम्स हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और टॉप 6 टीम्स के बीच टॉप 6 टीम्स को सेलेक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। पर 11 ही टीम्स में टॉप 6 उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 50% से ज़्यादा ही टॉप 6 में नॉकआउट स्टेज में ऑलरेडी खेलेंगे। तो इन फ्यूचर अगर 14-15 टीम्स हो जाएंगे या टीम्स आने शुरू हो जाएंगे तो ये डिसीजन बहुत ही बढ़िया है, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर को ध्यान में रखते ही ISL ने और AIFF ने ये डिसीजन लिया है। तो वही है इस वीडियो के लिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग समझते नहीं है कि ISL का ये नया फॉर्मेट क्यों है, किस लिए है और कैसा है। अगर वो लोग समझ भी नहीं पाते तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही ISL के बारे में और I-League के बारे में और इंडियन फुटबॉल के बारे में हम बहुत सारे न्यूज़ कवर करते हैं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल भी कर देना, तो और रिंग द बेल आइकन, जैसे हम कहते हैं ना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हम जब भी एक नया वीडियो डालेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।